दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में और ये लिस्ट बेस्ड है उनके एनुअल शिपमेंट के ऊपर, यानी कि एक साल के अंदर कौन सी कंपनी कितने ज्यादा स्मार्टफोन्स को बेच देती है। तो इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है आपकी सबकी फेवरेट कंपनी Xiaomi। एक्चुअली में Xiaomi इंडिया में तो नंबर 1 है, लेकिन ग्लोबली इसकी जो रैंकिंग है वो केवल 5 आती है। 2010 में कंपनी चालू हुई थी और 2018 तक आते आते 5th नंबर की कंपनी बन गई है। लेकिन इंडिया में भले ही ये टॉप पर है, लेकिन अपने खुद के देश के अंदर चाइना में अपने टॉप पर नहीं है। और देखा जाए तो 2017 के साल के अंदर ही इन्होंने 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ स्मार्टफोन्स को शिप कर दिया था। और अगर बात करें 2018 की तो इनका सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन जो है वो है Redmi 5 है, क्योंकि वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिका है। और Xiaomi की प्रेजेंस जो है वो कई सारी कंट्रीज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो यूरोपियन मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं जैसे स्पेन में। और Xiaomi के फोन जो है वो इंडिया के अलावा ब्राजील, सिंगापुर, टर्की और थाईलैंड में भी काफी बिकते हैं। और जो अगली कंपनी है वो है Lenovo। एक्चुअली में Lenovo के जो फोन है ना वो खुद इतने नहीं बिकते हैं। एक्चुअली में Lenovo क्या करता है, मोटोरोला ब्रांड के अंदर अपने फोन्स को निकालता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि Lenovo ने मोटोरोला को खरीद लिया था गूगल से, तो जितने भी फोन्स मोटोरोला के होते हैं वो इनडायरेक्टली सारे फोन्स Lenovo के ही होते हैं। और मोटोरोला की प्रेजेंस दुनिया भर में है और बाहर की कंट्रीज के अंदर, और इंडिया में भी मोटोरोला ब्रांड है, इसलिए मोटोरोला के जो फोन्स है वो काफी सारे बेस्ट सेलर रहते कई सारी दूसरी कंट्रीज में। जैसे कि ब्राजील में जब मोटो G6 लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा बिक रहा है, और मोटो G सीरीज जो है वो इंडिया में भी काफी ज्यादा बिकती है। और कुछ साल पहले जब मोटो M लेकर आए थे जिसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही बेकार थी, तो केवल मोटो के ब्रांड के कारण ही वो फोन काफी ज्यादा बिका। और इसलिए Lenovo का नाम इस लिस्ट में 4th नंबर पर है, क्योंकि वो मोटोरोला ब्रांड के कारण ही कई सारे स्मार्टफोन्स को दुनिया भर में बेच पा रही है। अगर मोटोरोला ब्रांड Lenovo के हाथ से चले जाए ना तो वो टॉप 5 की लिस्ट में तो क्या टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आने वाली। और अगले नंबर पर है चाइनीज कंपनी Huawei। वैसे Huawei एक्चुअली में एक कंपनी नहीं है, दो कंपनीज का कॉम्बिनेशन है, जो कि Huawei और इसका ही एक सब ब्रांड है Honor। Huawei जो है वो प्रीमियम कंपनी से कंपीट करती है जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वहीं पे जो Honor है ये Xiaomi से कंपीट करती है जैसे बजट सेंट्रिक में। और अपर मिड रेंज की कैटेगरी में Honor कम्पीट करती है OnePlus से, इसलिए आप देख सकते हैं कि Honor के फोन्स काफी सस्ते भी होते हैं और इनका सबसे महंगा फोन जो रहता है वो 30,000 का भी रहता है। और वहीं जो बात करें Huawei की, एक सबसे महंगे फोन ही बनाती है, इसलिए Huawei के फोन्स आपको ज्यादा से ज्यादा महंगे ही प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। और Huawei की बात करें तो ये एक साल में लगभग 10 करोड़ फोन्स को बेच देती है। और Huawei जो है वो चाइना के अंदर भी नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और धीरे धीरे इंडिया में भी ये नंबर 1 बनती जा रही है। और अगर आप लोग चाहते हो कैसे Xiaomi के लिए सबसे बड़ा खतरा Huawei हो सकती है, इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना ये बात। और देखा जाए तो Huawei काफी ज्यादा इनोवेटिव भी कंपनी भी है, क्योंकि वो ट्रिपल कैमरा वाला फोन लेकर आए, 40 मेगापिक्सल कैमरे के साथ अपना फोन लेकर आ रहे हैं और अपने प्रोसेसर्स भी ये खुद ही बना रहे हैं। तो देखा जाए तो काफी अच्छे तरीके से कंपीट कर रही है और हो भी सकता है फ्यूचर में एप्पल सैमसंग को काफी कड़ी टक्कर दे दे। और देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट में भी Huawei के फोन काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। और जो अगली कंपनी है वो है सबसे पॉपुलर कंपनी यानी एप्पल। एप्पल केवल अपने आईफोन को बेच कर ही एक साल में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा आईफोन बेच देती है, इसलिए इस लिस्ट में वो सेकंड नंबर पे आ जाती है। और एप्पल की जो प्रेजेंस है वो केवल 40 कंट्रीज तक ही है, लेकिन एप्पल के जो फोन्स होते हैं काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं और काफी ज्यादा बेंचमार्क माना जाता है, इसलिए उसके फोन काफी ज्यादा बिक जाते हैं। भले ही इंडिया में अपना वो 1 लाख का आईफोन 10 ही क्यों ना निकाले, लेकिन 1 लाख का फोन होने के बावजूद भी आईफोन खूब सारा बिकता है जितने दूसरे फोन्स नहीं बिक पाते हैं। और देखा जाए तो एप्पल केवल अपने 3 ही फोन्स को एक साल के अंदर निकालता है, वो 3 फोन बेस्ट सेलर बन जाते हैं। अगर हम आईफोन 10 की बात करें तो लॉन्च के पहले 3 महीने के अंदर ही केवल 26 मिलियन यानी कि 2.60 करोड़ आईफोन केवल पहले 3 महीने के अंदर बिका, और ये सिर्फ आईफोन 10 का ही नंबर है, आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस का नंबर अलग है। तो ये देखा जाए तो केवल 3 फोन्स निकाल के वो बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाता है। लेकिन अगर एप्पल 3 आईफोन से ज्यादा आईफोन्स अगर निकालना चालू कर दे और थोड़ा बजट आईफोन भी ले आए ना, तो उसको नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और नंबर 1 पर काफी फेमस कंपनी जिसका नाम है सैमसंग। शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन प्रीमियम फ्लैगशिप की जो कैटेगरी होती है ना उसके अंदर एप्पल के बाद जो फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं वो केवल सैमसंग के ही होते हैं। और 2017 के अंदर अंदर ही इन्होंने केवल 30 करोड़ फोन्स को ही बेच दिया था, और वर्ल्ड वाइड जो इनका मोबाइल मार्केट पे जो शेयर है ना वो है 30%। और जो सैमसंग की जो पॉपुलर सीरीज है वो है इसकी एस सीरीज और गैलेक्सी नोट सीरीज जो फ्लैगशिप कैटेगरीज में आती है। लेकिन सैमसंग की सक्सेस का केवल फ्लैगशिप फोन्स ही कारण नहीं है, इसका जो मेन कारण है वो है इसके बजट फोन जैसे J2 हो गया, J5 हो गया, J6 हो गया। ये जो बजट वाले फोन्स है ना ये सैमसंग के एक्चुअली में काफी ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि सैमसंग की जो प्रेजेंस है वो 100 कंट्रीज में है और इन्हीं 100 कंट्रीज में सैमसंग को एक ब्रांड लिया जाता है। तो जब भी कोई आदमी नया फोन खरीदने के लिए ऑफलाइन मार्केट में जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सैमसंग का फोन ले ले, क्योंकि सैमसंग चारों तरफ एडवर्टाइजिंग भी करती है और सैमसंग एक ट्रस्टेबल ब्रांड भी बन चुका है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी, इसलिए सैमसंग के फोन से वो काफी ज्यादा बिकते हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि सैमसंग के काफी घटिया फोन से जैसे J2 हो गया, जैसे J6 हो गया, तो एक काफी अंडर पावर फोन है, लेकिन सैमसंग के ब्रांड के कारण ही ये सारे फोन बिक रहे हैं। और इसी कारण से सैमसंग एक साल के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा फोन को बेच पाता है और इसलिए दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज चेंज हो सकती है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि ये लिस्ट आपको कैसी लगी, और अगर आपको
दूसरे टॉप 5 रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की टॉप 5 लिस्ट में बनाऊं तो ये बात भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।